देश के कई राज्य समेत बिहार में गहराते बिजली संकट के सवालों पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सभी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। पटना में सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार लगा। दरबार में पहुंचे सैकड़ों फरियादों के मुख्यमंत्री एक कर समस्याएं सुनी और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर पटना में राज्यपाल फागू चौहान, सीएम नीतीश कुमार समेत कई सियासी दिग्गजों ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इनकम टैक्स के बाद सीएम चरखा समिति पहुंचे, जहां उन्होंने चित्र पर पुष्प अर्पित की। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर चकली सर्कल बड़ोदरा गुजरात में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। कहा, उनके साथ की स्मृति को याद कर भावुक हूं। जेडीयू कार्यालय में भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत कई नेता शामिल हुए। सभी नेताओं ने जेपी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उमेश कुशवाहा ने कहा कि नीतीश को जेपी का असली उत्तराधिकारी बताया और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जेपी गोलंबर्ग से जेपी चरखा समिति तक पैदल मार्च किया। तेज प्रताप के संगठन छात्र जनशक्ति परिषद के कई कार्यकर्ता इस पैदल मार्च में शामिल हुए। कशिश न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में तेज प्रताप ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों सरकार युवाओं को ठगने का काम कर रही है। पटना में तेज प्रताप यादव की पदयात्रा पर सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि तेज प्रताप को लालू परिवार ने ही राजनीति से दरकिनार कर दिया है। तेज प्रताप हाशिए पर हैं, अब कोई भी मार्च करे इसका कोई मतलब नहीं है। बेगूसराय में पंचायत चुनाव में भागलपुर जेल में बंद मुखिया मनोज कुमार ने पुलिस अभिरक्षा में नामांकन करने बरौनी प्रखंड कार्यालय पहुंचे। बता दें कि नल जल योजना में 10,000 रूपए घूस लेते पटना निगरानी ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह जेल में बंद है। यूपी के लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर मौन धरने पर बैठ गए। कांग्रेसी नेताओं की मांग है कि घटना के दोषियों को सजा मिले और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। इस धरने में बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत कई नेता शामिल हुए। आरजेडी में चल रहे घमासान पर जेडीयू ने तंज कसा है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने लालू पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू ना परिवार बचा सके ना महागठबंधन। महागठबंधन को लेकर एक टूट से दिख रही है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और विधायक आलोक मेहता ने कहा कि लालू प्रसाद यादव का उपचुनाव में प्रचार करने का मामला अभी अनिश्चित है। हालांकि वे बिहार तो आएंगे, लेकिन प्रचार करने जाएंगे या नहीं ये अभी निश्चित नहीं है। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता नीरज बबलू ने लालू परिवार में चल रहे विवाद पर तेज प्रताप का समर्थन किया है। उन्होंने तेज प्रताप को टैलेंटेड बताते हुए कहा है कि उनमें जनता की सेवा भावना किसी से भी अधिक है। वे हर लोगों के दुख दर्द को भलीभांति समझते हैं। बेटा में बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने बिजली विभाग के कार्यालय के पास आगजनी कर बेटा औरंगाबाद SH2 पर हंगामा किया। मुआवजे की मांग और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बता दें कि 6 अक्टूबर को करंट लगने से बच्चा झुलसा था। बेटा थाना क्षेत्र के अमारा गांव का मामला है। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर दोलमा पंचायत के झिटकैया टोला में वार्ड में चुनाव जीतने पर वार्ड सदस्य के यहां शराब पार्टी चलने की सूचना पर पहुंची पुलिस पर हमला किया गया।
इस दौरान जमकर पत्थरबाजी की गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हवाई फायरिंग की। इस घटना में थाना अध्यक्ष समेत 8 पुलिस कर्मी जख्मी हो गए। पट्टा में बेटा थाना क्षेत्र के मूसेपुर पंचायत में चुनावी रंजिश में 2 प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। एक पक्ष के समर्थकों ने लगभग 4 राउंड फायरिंग करने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर बेटा पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। बेगूसराय में बलिया थाना क्षेत्र के लखमिनिया हनुमान महतो टोला में घर में फंदे से लटका एक महिला का शव मिलने से कोहराम मच गया। परिजनों ने बताया कि शादी के बाद दोनों पति पत्नी ने विवाद चल रहा था। परिजनों का कहना है कि जटा शंकर महतो ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर निशा की हत्या कर दी। बेगूसराय में सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार बाइक सवार ने एक गर्भवती महिला को ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना मटियानी थाना के रचियाई गांव के लूचो चौक की है। बक्सर जिले के डुमरा प्रखंड के पंचायत चुनाव में कई बार विजेता प्रत्याशियों के निर्णय बराबरी पर आकर अटक गया। रिकाउंटिंग के बाद भी फैसला नहीं होने पर टॉस कर विजेता का फैसला करना पड़ा। सुबह पंचायत के वार्ड 2 के वार्ड सदस्य का फैसला टॉस से किया गया, जिसमें सोनम कुमारी विजेता घोषित की गई। मध्यपुर पुलिस ने अलग अलग कांडों में फरार 2 लोग यानी 2 आरोपी जो वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी पंचम उर्फ असगर फतेहपुर गांव निवासी है, जबकि एक अन्य आरोपी ठाकुर मंडल जसीडीह थाना क्षेत्र के सिमरा गांव निवासी है। मंदिर में सोमवार के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन और जलाभिषेक करने के लिए सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। मंदिर में चरमुंडी पुलिस और मंदिर प्रबंधक के सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए। झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर विसर्जन तक के लिए चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। 10 से 19 अक्टूबर तक राज्य में 5,000 से अधिक की तादाद में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। यूपी के लखीमपुर खीरी मामलों में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अर्जुन मिश्रा के बेटे का नाम सामने आने के बाद निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। इसको लेकर झारखंड कांग्रेस कमेटी के नेताओं राज्य भवन के सामने मौन व्रत रखकर धरना दिया। रांची में लोअर बाजार थाना क्षेत्र के काटा टोली चौक के पास ऑटो चालक और ट्रैफिक पुलिस के बीच हुई मारपीट मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ऑटो पर सड़क लगाने को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा था, जिसके बाद विवाद हो गया था और बाद में ऑटो चालक ने ट्रैफिक पुलिस की पिटाई कर दी थी। हजारीबाग जिले में एक पिकअप के वैन के पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना जिले के चौपारा थाना इलाके के हथिया बाबा के पास हुई है। पिकअप वैन में 12 लोग सवार थे, सभी देवघर के रहने वाले हैं। लोहरदगा के ठाकुरबाड़ी मंदिर में हर एक साल नवरात्र के दिनों में मंदिर में विधि विधान से रामचरितमानस और यज्ञ का पाठ होता है। इस साल भी नवरात्र के मौके पर पारायण महायज्ञ शुरू हुआ। पिछले 55 सालों से रामचरितमानस नवान पाठ हो रहा है। इस मंदिर की मान्यता है कि जो भी माँ की आराधना कर फेरी देते हैं उसकी मन्नतें पूरी होती है। शारदीय नवरात्र का 5वां दिन लेकिन पंचांग के मुताबिक पंचमी और षष्ठी माना जा रहा है और दोनों दिन पूजा के एक दिन होने के चलते सुबह से मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त फूल प्रसाद लेकर मंदिरों में माँ दुर्गा का पूजा अर्चना कर रहे हैं। देवघर में आजसू पार्टी के सारण प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल मतीन ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। इसे लेकर प्रखंड के 12 पंसारी मैदान में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर मंत्री हफीजुल अंसारी ने निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र आज सभी मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। बागमारा बीसीसीएल ब्लॉक 2 के बेरेडी साइटिंग में आंदोलनरत सेल पिकर मजदूरों पर लाठीचार्ज के विरोध में जेएमएम नेता कारू यादव के नेतृत्व में
सैकड़ों की संख्या में जीएमएम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए थाना का घेराव करना चाहा, पर बगमारा के इंदिरा चौक पर स्थानीय प्रशासन ने सबको रोक दिया। बेगूसराय में सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार बाइक ने एक गर्भवती महिला को ठोकर मार दी, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। घटना मटियानी थाना के रचियाही गांव के लूचो चौक की है। देवघर पुलिस के साथ एक बड़ा हादसा होने से बच गया। दुर्गा पूजा को लेकर गश्ती कर रही पुलिस की पीसीआर वैन 3 लाचानक आग लगी, लेकिन पुलिस कर्मी की सूझबूझ की वजह से आग पर काबू पा लिया गया।